बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्राम रोली और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि हमने एक वीडियो कई दिनों पहले बनाया था कि बहुजन समाज या दलित समाज, खासकर दलित समाज के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच जाते हैं, आंदोलन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनको इंसाफ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि पार्टियां भी उस मुद्दे को इतनी बुनाती है, उतनी राजनीतिकरण उस मुद्दे का कर देती है कि उसको समझ में ही लोगों के नहीं आता कि इस मामले में इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसा ही सब कुछ चल रहा है संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर मामले के अंदर। आपको बता दें कि ये मैं नहीं कह सकता कि मंदिर कब बनेगा और किस तारीख को बनेगा, लेकिन इस मामले के अंदर जो राजनीतिक दल है वो पूरी तरीके से लामबंद हो चुके हैं, यानी एकजुट हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसका कारण एक ये भी है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों के अंदर आने वाले दिनों में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं, और आपको बता दें कि इन तमाम राज्यों के अंदर बहुजन समाज की एक बहुत ही बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी संख्या है। 33% से लेकर 16-17% तक बहुजन समाज की आबादी है। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर बहुजन समाज की बहुत बड़ी तादाद है, तीसरा हिस्सा बराबरी का वो रखती है। इस वजह से कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि बहुजन समाज को नाराज किया जाए और आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर खामियाजा भुगतना पड़े। इसी के मद्देनजर आपको बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जो कि आदरणीय है और हमेशा से बहुजन समाज इनको अनुपुष्ट मानता रहा है, उनकी पूजा करता आया है, उनके विचारों को मानता रहा है, उसी के मद्देनजर रखते हुए आपको बता दें कि इस मंदिर का जो प्रकरण चल रहा है उसको लेकर सब पार्टियां एकजुट हो चुकी है, और आपको बता दें कि उन्होंने अब केंद्र से एक्सेप्ट की है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जो संत शिरोमणि अकाली दल है, अकाली दल जो है, शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब से आता है और बीजेपी के अंदर सहयोगी दल है, वो भी केंद्रीय अपनी एक कमेटी बनाई है और उन्होंने कई बार केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर चुकी है। वैसे अभी तक आपको बता दें कि बीजेपी की जो केंद्रीय टीम है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी इस मैदान में, इस मामले को लेकर खुलकर मैदान में आ चुकी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मैदान में थी। आपको बताया कि उन्होंने साफ तरीके से ट्वीट करके अपने जाहिर किए। अशोक तंवर जो कि पार्टी के थे वो रामलीला मैदान में जिस दिन प्रदर्शन था उसमें भी शामिल हुए, और जो संत शिरोमणि रविदास जी का तुगलकाबाद स्थित मंदिर था वहां पर भी वो गए थे। इसके अलावा 1 तारीख को उनकी तरफ से हरियाणा के अंदर बड़ी रैली निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन दिया गया इस मामले को लेकर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की तरफ से इस मामले को ट्वीट करके उन्होंने समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में दलितों को नाराज नहीं करना चाहती, इस वजह से उन्होंने केंद्र सरकार से इतनी तक मांग कर दी कि जो 4 एकड़ जमीन है संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर की, वो समाज को दे दी जाए। इसके बदले में 100 एकड़ जमीन दिल्ली सरकार आपको वापस देगी, पेड़ पौधे भी लगा कर देगी। और इधर आपको बता दें कि आरजेडी जो है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उनकी तरफ से भी इस मामले के अंदर बहुजन समाज को समर्थन दिया गया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस जो है, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी, उनकी तरफ से भी इस मामले में समर्थन दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे अहम बात, बीजेपी की जो दिल्ली टीम की इकाई है उन्होंने समर्थन दे दिया, लेकिन केंद्र की टीम की तरफ से, यानी केंद्रीय टीम है, मोदी सरकार है या मोदी की जो मंत्रिमंडल है उसकी तरफ से अभी तक इस मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और न इस मामले में कोई प्रकरण में सामने आया है। लेकिन इन तमाम पार्टियों ने मिलकर केंद्रीय जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, उससे मांग की, हस्तक्षेप करने की मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलटा दिया जाए और इस मामले के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर उसी स्थान पर बना दिया जाए। मिलेंगे इसी नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको वीडियो